question, जी. The Quran says that the creation has been made in pairs. However, recent discoveries in science have shown that many animal species reproduce asexually. So is the Quran wrong? Quran Majeed जो बात बयान कर रहा है वो इस लिहाज से बयान नहीं कर रहा होता कि कोई साइंस बयान करनी है. कुरान मजीद साइंस की किताब नहीं है, वो हिदायत की किताब है. तो इस वजह से जो चीज़ें आम तौर पर इंसान देखता है वो उनको दलील बना के पेश करता है. वो ये बताता है कि ये दुनिया जिसको तुम देख रहे हो ये तुम्हें अधूरी महसूस होती है, इसमें अदल नहीं है, इसमें जस्टिस नहीं है, इसमें तुम्हारी तमन्नाएँ, आरजुएँ और उमंगें पूरी नहीं होती. तुम्हारे बातिन का इंसान मौत के हवाले हो जाता है और तुम देखते हो कि अभी उसने अपने परवाज़ के लिए पर भी नहीं खोले होते बारहा. तो इस वजह से ये ज़रूरी है कि इस दुनिया को एक पैर का हिस्सा समझो, एक जोड़े का हिस्सा समझो. इसके मुकाबिल में आखिरत है. जब तक उसको मिला के इस दुनिया को नहीं समझोगे उस वक्त तक तुम इसकी हकीकत नहीं जान सकते. उसमें ये मिसाल दी है कि अगर देखो तो मैंने दुनिया में भी चीज़ें जोड़े जोड़े बनाई हैं, मर्द बनाया है, औरत बनाई है, एक दूसरे की तकमील कर रहे हैं. यानी अगर सिर्फ मर्द का जायज़ा लिया जाए तो बहुत से खला महसूस होते हैं जो औरत ही से भरते हैं. औरत को अगर देखा जाए तो बहने ही यही सूरत हाल मर्द के मामले में मालूम होती है. तो इससे दर हकीकत अल्लाह ताला ने यह सबक दिया है कि इस दुनिया में मैंने जोड़ा जोड़ा चीज़ें बना के, पेयर्स की शक्ल में चीज़ें बना के तुम्हें ये सोचने पर मजबूर किया है कि एक चीज़ दूसरे को मिलाए बगैर कामिल नहीं होती, मुकम्मल नहीं होती. चुनाचे आखिरत और दुनिया को भी इसी तरह मिलाकर देखा करो. ये तालीम दी गई है. इसमें कोई ये साइंसी पहलू बयान करना मकसूद नहीं था कि दुनिया के अंदर जो चीज़ भी तुम देखोगे वो जोड़ों जोड़ों में होगी. एक और सवाल है.